आप लोग सोचेंगे मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। आज मैं आपको अपना घर दिखाने वाला हूँ, कनाडा में मैं किस घर में रह रहा हूँ, ये बाहर से कैसा है और अंदर से कैसा है, और यहाँ के घरों में हमारे घरों से फर्क क्या होता है, अलग क्या होता है, दोनों चीजें दिखाऊंगा आपको। तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले मैं आपको अपना घर बाहर से दिखाना स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए, घर के सामने ऐसा गार्डन है, यहाँ ज़्यादातर सभी घरों में होता है, देख रहे हैं ना आप, इस तरीके की घास होती है और ये घास आपको खुद ही काटनी पड़ती है, और इस तरीके का रोड होता है, देख रहे हैं ना आप, ये रोड जाता है सीधा गैरेज में, जहाँ पर हम अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, वो सामने गैरेज दिखा रहा है, दरवाज़ा खोला, गाड़ी अंदर, और घर के पीछे भी गार्डन होता है। तो पहले आपको सारा बाहर का दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है घर ऐसा। मेरी बीबी भी बोल रही थी और मेरे बच्चे कि अब्बू घर दिखाओ आपका कैसा है, और ये है घर, और इस घर में मैं अभी फ़िलहाल अकेला रहता हूँ, रात में अजीब सा भी लगता है, और ये है इसके चारों बाजू का नज़ारा। ये देखिए, चारों बाजू आपको घूम के दिखा दे रहा हूँ, ऐसे ही घर होते हैं यहाँ पर, देख रहे हैं ना। और वो देखिए, बंदा सामने घास काट रहा है अपने गार्डन की, तो यहाँ खुद घास काटनी पड़ती है, देखिए। तो ये आज ही हमारे गार्डन की भी घास कटी है। तो अब चलते हैं पीछे की तरफ। ये देखिए, ये गैरेज है, और ये ऐसे एक दरवाज़ा होता है, इसको आपने खोलना रहता है। कैसे खोलेंगे दिखाता हूँ। ताला नहीं है, कोई भी चीज़ में ताला नहीं है, यहाँ ऐसे फंसा होता है बचे रहते। तो यहाँ से जाएंगे अंदर। तो ये घर के पीछे का एरिया है, यहाँ भी ऐसे लॉन होता है, खुली जगह होती है, मतलब जितनी बड़ी जगह में आपका घर है उसमें सिर्फ 40% में घर बना होता है, या आप मान लो 50% जगह आपको ऐसे खाली रखनी पड़ती है, साइड में रोड रखना पड़ता है, और ये गैरेज भी बनाना पड़ता है गाड़ी खड़ी करने के लिए। तो ये है बाहर का हिस्सा। अब चलते हैं अंदर की तरफ। तो अंदर जाने के लिए ऐसे सीढ़ियाँ होती हैं, जैसे दिखा रहे ना आपको, ये सभी घर में ऐसा बना होता है, ज़्यादातर घर में ओपन है, कई लोग इसको बंद भी कर लेते हैं। तो चलते हैं अंदर। अंदर जाने के लिए मेन डोर, जैसे आपने खोला तो आप आ गए अंदर। अब दिखाता हूँ आपको अंदर। ये देखिए, ये है अंदर का नज़ारा। बहुत बड़ा घर नहीं है, लेकिन एक फैमिली के लिए बहुत ही प्यारा है, देखा ना आप, ऐसा है अंदर का नज़ारा। और इन घरों की खास बात क्या है, ये पूरे लकड़ी के होते हैं, ज्यादातर घर लकड़ी के होते हैं। देखिए, जब आप ऐसे चलते हैं ना, जैसे मैं चल रहा हूं, तो आवाज भी आती है नीचे वाले को, और ये फ्लोरिंग भी पूरी लकड़ी की है। ये इन घरों की खास बात है। दूसरी जो खास बात है, यहां पर घरों में हीटर लगे होते हैं, मतलब बाहर चाहे जितना भी टेम्परेचर हो, आप अपने घर का टेम्परेचर यहां पर सेट कर सकते हैं कि आपको अंदर कितना रखना है। मैं दिखाता हूं मैंने कितना रखा है। ये टेम्परेचर है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जितना आपको चाहिए, 20, 22, 24, 25, जैसा आपको पसंद है वैसा आप रख सकते हैं। बस मैंने 22-50 पे छोड़ा है। इसमें क्या होता है, आपको बस टी शर्ट में आप घूम सकते हैं, ठंड भी नहीं लगेगी और गर्मी भी नहीं लगेगी। और इनमें हवा कहाँ से आती है, तो ये देखिए, इस तरीके से जालियां लगी होती हैं। नीचे बेसमेंट में लगा होता है सब सिस्टम, एग्जॉस्ट फैन होता है, पूरा डक्टिंग होती है, वहां से ये देखिए हवा आ रही है, जैसा टेम्परेचर करेंगे वैसी यहां से हवा की, गर्म ठंडी जैसी आपको चाहिए। और ये हॉल में कितनी लगी है, एक ये है, दूसरी यहां पर है, देखिए इस कोने में, मुझे लग रहा है 3 से 4 है। और ये देखिए, ये फ्रेश एयर के लिए, वहां से फ्रेश हवा आती है ये, तो इसलिए यहां पर घर बंद होते हैं और आपको कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि बाहर की हवा भी आपको मिलती रहती है। और इस घर में रूम कितने वो आपको दिखाता हूं। जैसे ही आप घर में एंटर करते हैं, ये हॉल हो जाएगा,
ये किचन हो जाएगा, ये देखिए, और ये डाइनिंग टेबल रखा हुआ है। और यहां से जैसे आप अंदर जाएंगे तो एक ये बेडरूम है, एक ये बेडरूम है जिसमें मैं रहता हूं। बहुत ही बुरी हालत है ये देखिए, ठीक है। और ये हमारा वॉशरूम है। फिर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, ये देखिए, ये आप आगे बढ़े, एक ये बेडरूम है और यहां की लाइट चालू करेंगे। और ये जगह है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, आप यहां से ऊपर जा सकते हैं, ऊपर भी शायद एक रूम बना हुआ है और ऊपर वॉशरूम भी है। ये देखिए, वाह, बहुत ही प्यारी जगह ये, देख रहे ना, वहां बेड भी पड़ा हुआ है, ये फ्रिज और ये वॉशरूम भी है यहां पर, और ये है खिड़की। तो बुरी जगह नहीं है ये भी, यहां भी आराम से कोई रह सकता है जिसने कम पैसों में रहना है, लेकिन अभी फिलहाल यहां कोई नहीं रहता है। यहां से उतर जाएंगे, ये देखिए काम भी चल रहा है। ये जगह जाती है सीधी बेसमेंट में, ये है दरवाजा, यह है बेसमेंट, इसमें काम चल रहा है। ये ज्यादातर सब घरों में होता है मुझे लग रहा है। यहां दो बेडरूम बने हैं, ये देखिए, एक खिड़की के साथ, दूसरा ये पूरा लकड़ी का बनना है, और यहां बन जाएगा किचन और थोड़ा हॉल। और ये पता नहीं यहाँ क्या होना है। तो ये है मेरा घर जहाँ मैं रहता हूँ, और अभी फिलहाल इसमें कोई नहीं रह रहा है। और ये सब वॉशिंग मशीनें सब रखी हुई हैं धोने के लिए, कपड़े सब नीचे धुलते हैं। और एक चीज, यहाँ पर हर घर में दो दरवाजे होते हैं, ये पीछे वाला गेट है और वो आगे वाला गेट था, देखा ना आपने, ये पिछला गेट, ये बंद कर दिया। तो अब आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये ब्लॉग कैसा लगा। देखने के लिए थैंक यू, ऐसे ही साथ में बने रहें। और भी बहुत सारी चीजें आपको बतानी है, लेकिन सब कुछ टाइम आने पर। थैंक यू।